राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मोदी सरकार की बजट को हर वर्ग के बजट को ऐतिहासिक बताया है। सांसद ने रेल क्षेत्र में भी इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। ये बजट मोदी सरकार के 10 वर्षों के विकास कार्यों का परिणाम है। इस बजट में चंपारण के रेल के लिए विशेष ख्याल रखा गया है। सालों से बंद कटियागंज गौनाहा रेलखंड में शीघ्र ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। चंपारण में पीएम मोदी आगमन होते ही विकास में गति मिलेगी। जो मोदी सरकार आज 10 साल के काम किया है, हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य की दुनिया हो, हॉस्पिटल का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, पहले जो 65 साल में जितना था उससे दुगुना मेडिकल कॉलेज बना है, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे जनधन खाता योजना का मामला हो, चाहे किसान का ग्रोथ का मामला हो, चाहे गरीब कल्याण का मामला हो, चाहे युवा का मामला हो, चाहे महिला का मामला हो, चाहे भारत के धरोहर का मामला हो, जैसे अयोध्या राम मंदिर, कर्पूरी जी का सम्मान देना भारत रत्न से, ये अजूबा अजूबा काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो कहता है वो करके दिखाता है। अन्य सरकार में कथनी और करनी में अंतर होता था, लेकिन मोदी सरकार के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बेहतर काम करने के लिए, जीवन स्तर बेहतर हो आम आदमी का, उसके लिए मोदी सरकार ने प्रयास किया है। 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कोई अगर काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है।